नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेली जा रही है। इस सीरीज़ के 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों टीमें इस समय 2-2 की बराबरी पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि सीरीज़ का 4था मैच मेजबान कैरिबियाई टीम ने 21 रन से जीता है। सीरीज़ का पहला मुकाबला भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, जबकि अगले 2 मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने बाजी मारी थी। 4थे मैच में कप्तान किरण पोलार्ड का बल्ला चला और उनकी आंधी में साउथ अफ्रीका की टीम उड़ गई। दरअसल टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को तेज शुरुआत जरूर मिली, लेकिन इसके बाद लगातार 2 विकेट जल्दी गिरे। इसके बाद छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन एक छोर से विकेट गिरते चले गए। आखिर में किरण पोलार्ड ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया। किरण पोलार्ड ने 25 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 51 रन की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 204 का रहा। पोलार्ड ने 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। किरण पोलार्ड ने इस मुकाबले में 51 रन बनाने के साथ साथ 1 विकेट लिया। उनको इस ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के चलते मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें, कैरिबियाई टीम की ओर से कप्तान किरण पोलार्ड के अलावा लैंडन सिमंस ने 34 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 47 रन की तूफानी पारी खेली। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 167 रन बनाए। वहीं 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को शुरुआत अच्छी नहीं मिली, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 43 गेंदों में 60 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनको बाकी बल्लेबाजों से ज़्यादा साथ नहीं मिला। टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन ही बना पाई और मुकाबला 21 रन से हार गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।